कक्षा 12 गणित में आज हम जो है सांतत्य और अवकलनीयता पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला मेरा हेडिंग है सीमा की अवधारणा। सीमा की अवधारणा, तो सीमा की अवधारणा पहले क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पर x का मान हम 2 की तरफ ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? 2 की तरफ। मान लीजिए कोई फलन है y बराबर f x, ठीक है, उसमें जो है हम x का मान ए x है, x का मान जो है y बराबर f x है, f x बराबर x स्क्वायर, x का मान हम 2 की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आंसर देखो किधर जा रहा है। ध्यान से देखिए, 1.9 है तो 3.6, 1.99 है तो 3.9601, 1.999 का वर्ग है 3.99600, 1.9999 का वर्ग है 3.99996001। तो कहने का मतलब एक्स का मान हम जो है एक्स का मान हम 2 की तरफ बढ़ा रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं? 2 की तरफ। तुम्हारा उत्तर कहाँ जा रहा है? 4 की ओर। आप लिखेंगे एक्स का मान 2 की तरफ ले जाने पर उत्तर 4 की ओर, x का मान 2 की तरफ बढ़ाने पर या ले जाने पर उत्तर 4 की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या हो रहा है? अग्रसर हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। इसमें देखो क्या है, इसका बोलिए 4.0 कितना है? 4 1, इसका बोलिए 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 2 1 2 3 4, इसका बोलिए 4 0 4 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका 4 0 4 0 0, ठीक है। इसमें यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान हम जो है 2 की तरफ, यहाँ पर भी देखिए ये जैसे 2 है ना, ये संख्या रेखा है, 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2, ध्यान दीजिए ये क्या है? 3, ठीक है, 1 2 3। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए आप लोग, हम यहाँ पर जो है ये जो है ए x जो है हम 1.9 से आगे ले जा रहे हैं, मतलब हम x का मान 2 की तरफ बढ़ा रहे हैं। किधर बढ़ा रहे हैं? 2 की तरफ, इधर से मतलब बाएं तरफ से x का मान हम 2 की तरफ ले जा रहे हैं। 2 की तरफ मतलब 1.99 1.99 1.99 1.99, ऐसे करते हुए हम 2 की तरफ इसको ले जा रहे हैं मान, तो हमें उत्तर कितना मिल रहा है? 4 के करीब मिल रहा है, ठीक, 4 की तरफ मिल रहा है। तो बाएं तरफ से हम 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए हम दाहिने तरफ से आ रहे हैं, दाहिने तरफ से हम आ रहे हैं 2 की ओर, तभी हमें उत्तर कितना मिल रहा है? 4, समझ गया? तो मिला जुला के कहने का तात्पर्य यह है कि इस फलन में हम x का मान हम 2 की तरफ बढ़ा रहे हैं तो हमें उत्तर 4 मिल रहा है, और इस फलन में भी हम x का मान 2 की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है? बाएं से दाएं, इसमें क्या है? 2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब का बाएं से जा रहे हैं दाएं की तरफ, इसमें क्या है? दाहिने से हम कहां आ रहे हैं? बाएं की तरफ, ठीक। यहाँ इसमें इस वाले फलन में हम x का मान बाएं से दाएं की तरफ 2 की ओर जा रहे हैं तो हमें उत्तर 4 के लगभग मिलने वाला है। इसके लगभग मिलने वाला है 4 के लगभग। इसमें क्या है? x का मान हम दाहिने से बाएं की तरफ आ रहे हैं, मतलब 2 की ओर आ रहे हैं, तभी को हमें उत्तर कितना मिल रहा है? 4, समझा? तो सीमा की परिभाषा लिखिए थोड़ा सा, तो मैं समझाऊं। ये सीमा की अवधारणा था, ये कंसेप्ट था, उसका परिभाषा लिखिए। बोले यदि फलन y बराबर f x में, यदि फलन y बराबर f x में x का मान एक ही ओर अग्रसर करने पर
x का मान एक की ओर अग्रसर करने पर, x का मान एक की ओर अग्रसर करने पर फलन का मान एक निश्चित संख्या, फलन का मान एक निश्चित संख्या L की ओर अग्रसर हो रहा है, निश्चित संख्या L की ओर अग्रसर हो रहा है। तब निश्चित संख्या L, निश्चित संख्या L कामा दे देना। x बराबर a पर फलन का सीमित मान है, फलन का सीमित मान है। या नीचे से लिख लो थोड़ा सा, या x अप्रोच टू a लिमिट एफ एक्स, इसका उत्तर हम लोग क्या प्राप्त करें, a l। ध्यान से देखो, हम यहाँ पे फलन में मतलब x का मान हम a की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है, L। समझ में आया ना। तो फलन का x बराबर a पर सीमा, फलन का x अप्रोच टू a पर सीमा क्या है, L है। फलन का x बराबर x अप्रोच टू a का सीमा क्या है, a। ये सीमा का परिभाषा है, गणित रूप है, वो क्या था हम परिभाषा बोले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह, ध्यान से देखो उदाहरण से, अभी अब जो हम उदाहरण अभी यहाँ लिखे थे, यहाँ पहला दूसरा करके लिखे थे, अब उसका समझ लो। देखो हमारा फलन क्या था, वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अब x का मान हम किधर ले जा रहे हैं, दो की ओर, कहाँ ले जा रहे थे, दो की ओर। तो हमें क्या मिलने वाला था, उत्तर चार की तरफ जा रहा था। जब हम x का मान दो की तरफ ले जा रहे थे बाएं से दाएं, तो हमें उत्तर क्या मिल रहा था, चार। समझ आया ना। अच्छा अब उसका उल्टा हो, इसमें क्या है, दूसरा में x का मान मैं दो की तरफ दाहिने से बाएं की तरफ आ रहा हूँ, तब भी हमारा उत्तर क्या मिलने वाला है, चार। देखो ये घटता चला जा रहा है ना, जैसे जैसे मैं x का मान दो की तरफ ले आ रहा हूँ इधर से इधर, तो ये फलन का मान क्या हो रहा है, चार की ओर अग्रसर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर चार क्या है, चार जो है फलन वाई का जो चार मान है, फलन वाई का x अप्रोच टू टू पर, इसको गणित में कैसे लिखेंगे, इन दोनों उदाहरण को जो अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा था मिटा दिए, यहाँ आपका एग्जाम्पल है, इसको गणित के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x अप्रोच टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू चार, क्या लिखेंगे, चार। क्यों कि हम x का मान इस साइड से दो की तरफ ले जा रहे थे, तब भी हमें उत्तर चार मिल रहा था, ठीक है। और x का मान हम जो है इधर से दो की तरफ आ रहे थे, तब भी हमें क्या मिल रहा था, चार। चार क्या है, सीमा है, किसका सीमा है, इस फलन का सीमा है, किस पर, x अप्रोच टू टू पर। समझा, सीमा ए है, यहाँ इसमें एल है, यहाँ कौन था, चार, ठीक है। तो आप लोग पहले उदाहरण तो जो हम एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड लिखे थे, उसका गणित रूप यह है, लिख सकते हो, और जो अभी अभी हम परिभाषा लिखा है उसका गणित रूप यह है, ठीक। हाँ थोड़ा सा देखिए और नोट लिखिए, देखो नोट से पहले आइए एग्जाम्पल पर, लिमिट x अप्रोच टू दो से कम, मतलब कि एक से ज्यादा है, मतलब x अप्रोच टू दो से कम, चलो अच्छा दो से कम जब मान था हमारा, तब उत्तर एफ एक्स का मान कितना आ रहा था, x स्क्वायर का मान कितना आ रहा था, चार। दो से कम का मतलब क्या होता है, बाएं से, मतलब ये दो था, ये हमारा एक था, एक क्या था, तीन।
जब हम दो से कम मान ले रहे थे, मतलब इसको हम दो की तरफ ले जा रहे थे ना, तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त होता है? चार। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे भी लिखे तो एक्स अपॉन टू प्लस, तो मतलब हम जब दो से ज्यादा हमारा उत्तर जब था इधर से इधर आ रहे थे, तभी तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो रहा था? चार। समझ आया ना? तो उसी तरीके से हम इसको दो रूप में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, लिमिट एक्स अपॉन टू ए एफ एक्स बराबर एल, इसका दो रूप है। पहला लिमिट एफ एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ एक्स बराबर एल, और दूसरा रूप क्या है इसका, देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एल। इसको हम लोग कहते हैं बाम पक्ष की सीमा। क्या कहते हैं? बाम पक्ष की सीमा, एल एच एल ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? दाएं पक्ष की सीमा, आर एच एल। ये तो गणित रूप हो गया। अब पहले इसको अच्छे से समझने के चक्कर फिर से, हम फलन वाई बरा एफ एक्स बरा एक्स स्क्वायर लिए थे पहला काम। जैसे जैसे हम एक्स का मान दो की तरफ ले जा रहे थे, बाएं से दाएं मतलब ये वाला ना, तो हमारा उत्तर चार की तरफ जा रहा था। ठीक। तो हम उसको गणित के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि मतलब एक्स को मैं दो की तरफ ले जा रहा था, तो हमारा उत्तर कितना मिल रहा था हमें? अरे 3.9999 मतलब का चार है ना, समझ में आया नहीं? चार की तरफ। और दूसरा बात, जैसे ही हम इस फलन को एक्स बराबर दो की तरफ ले जा रहे थे इधर से दाहिने से बाएं की तरफ इधर, तभी भी हमें उत्तर 4.0000 करके मिल रहा था, तो हमारा उत्तर चार की तरफ जा रहा था। किधर जा रहा था? चार की तरफ। तो हम यहाँ क्या बोले कि ये जो चार है फलन की सीमा है, किस फलन की सीमा है? एक्स स्क्वायर की। चार क्या है? सीमा है। एक्स स्क्वायर की सीमा है। किस पर है? एक्स बराबर दो पर। एक्स बराबर दो पर। बात समझ आया ना? अच्छा, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग गणित के रूप में कैसे लिखते हैं, सूत्र कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स बराबर एल, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स बराबर एल, इसमें जो है दोनों समायोस है, दोनों का समावेश है, माने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का। इसको हम तोड़ेंगे क्या हमें मिलेगा? बाया पक्ष सीमा एल एच एल मिलेगा, और फिर दाएं पक्ष की सीमा आर एच एल मिलेगा। इसको जब तोड़ेंगे तब ये हो गया सीमा का गणित, गणित के रूप में परिभाषा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो ध्यान रखिए, हम लोग सीमा, फलन की सीमा का गणित रूप देख लिए। फलन की सीमा का गणित रूप क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स बराबर क्या? ठीक है, इसका दो रूप अभी अभी हम लिखे हैं। क्या? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ एक्स बराबर एल, और दूसरा रूप क्या है? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एल। ठीक है, इसमें ये तो हो गया गणित रूप। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए ध्यान से, फलन का अस्तित्व, फलन का, फलन का किसी बिंदु पर अस्तित्व है कि नहीं, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? यहां लिखेंगे यदि फलन का मान x बराबर a पर, यदि फलन का मान x बराबर a पर या लेक्चर एल एच एल, मानी एल एच एल मतलब कहता है बाएं पक्ष की सीमा,
और आर एच एल पर इस फलन का मान इस राशि पर एक मिनट का है। इस फलन का मान यदि फलन का बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा x बराबर a पर समान है, बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा x बराबर a पर समान है, तब फलन का x बराबर a पर अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। कहने का मतलब यह है फलन का अस्तित्व है कि नहीं, इसको कैसे चेक करना है। एल एच एल और आर एच एल दोनों अगर समान हो जाएंगे तो हम कहेंगे फलन का अस्तित्व है। ठीक है, जब फलन का अस्तित्व रहेगा तभी और हम काम कर पाएंगे, तभी हम कंटिन्यूस चेक करेंगे, मतलब सततता चेक करेंगे, अवकलनीयता चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। एक फलन का बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा x बराबर a पर समान है, तब फलन का x बराबर a पर अस्तित्व है। अस्तित्व के लिए प्रतिबंध क्या है, अर्थात करके लिख लो l h l बराबर r h l। l h l का मान क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस f x बराबर लिमिट x अप्रोच टू a प्लस f x। फलन का अस्तित्व है तो ये चीज हमें क्या होना चाहिए, दोनों तरफ समान होना चाहिए, दोनों ओर से ना, दोनों तरफ से फलन का मान क्या होना चाहिए, समान, बाएं पक्ष की तरफ से और दाएं पक्ष की दोनों तरफ से, तो फलन का अस्तित्व होता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व है क्या, जबकि x यदि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और 0 यदि x बराबर 1 और 1 माइनस x यदि 1 से बड़ा x और x जो है 2 से छोटा है। हमें ज्ञात करना है फलन का अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले एक बात ध्यान दीजिए सभी लोग अच्छे से, जब x का मान 0 से लेकर उससे बड़ा और 1 से छोटा होगा तो हम फलन का मान ही रखेंगे। हमारे पास फलन का मान 3 तो है, एफ एक्स बराबर x भी है, एफ एक्स बराबर 0 भी है, एफ एक्स बराबर कितना है 1 माइनस x भी। ये वाला मान कब रखेंगे, जब x का मान 1 से छोटा होगा 0 से लेकर उससे बड़ा। ये वाला मान कब रखेंगे, जब x बराबर 1 होगा। यह वाला मान कब रखेंगे, जब x का मान 1 से बड़ा होगा 2 से और छोटा, 2 और 2 से छोटा होगा तभी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। चलो हमें चेक करना है फलन का अस्तित्व कहाँ पर, x बराबर 1 पर। किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर। चलो इसको हम तोड़ते हैं, पहले LHL आता है। LHL क्या आता है, लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, क्या आता है, 1 माइनस मतलब बाम पक्ष की सीमा, यहाँ लिखेंगे अप। चलो बताइए भैया, लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस है, यहाँ 1 माइनस h लिखेंगे। ठीक, 1 माइनस मतलब क्या आता है, 1 से कम, h का तो बहुत छोटी संख्या, 1 से कम, इसको 1 ऋण मत पढ़ो, 1 से कम, 1 से कम यह है ना। और थोड़ा h क्या है, h 0 की ओर है, h कहाँ पर है, 0 की ओर, मैं यही लिख दे रहा हूँ, एच 0 की ओर है ना, एच क्या है, 0 की ओर जा रहा है। अब फलन हमें कौन सा लेना है, 1 से कम, 1 से कम वाला फलन कौन है मेरा, ये वाला है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, पहले इसको हटाइए, एक्स का मान 1 ऋण एच लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 ऋण एच, समझ आया ना, फिर एच बराबर 0 रखो, 0 रखोगे तो 1 ऋण 0 हो जाएगा। जैसे ही लिमिट का मान रखते हैं, जैसे x के स्थान पे 1 ऋण h लिखे, तब देखो इसमें x नहीं रहेगा ना, जब यहाँ पर हम h का मान रखेंगे नीचे वाले लाइन में, तो यहाँ नीचे लिमिट हट जाएगा,
तो क्या हमारा है ए, क्या प्राप्त हुआ हमें ए, समझ आया। अब आर एच एल देखो ध्यान से, आर एच एल क्या हो गया लिमिट एक्स अप्रोच टू एक प्लस एफ एक्स। चलो लिमिट एक प्लस का मतलब एक्स अप्रोच टू वन प्लस एच, एच बहुत छोटा संख्या होता है समझा, और जीरो की ओर एकदम अग्रसर होता है ठीक। एक से बड़ा वाला फलन कौन है हमारा, एक से बड़ा एक माइनस एक्स, यहाँ एच क्या है जीरो, चाहे साइड में लिख दो एच अप्रोच टू जीरो, चाहे यही लिख दो ठीक है। मैं यही भी लिख दे रहा हूँ एच जो है जीरो की ओर जा रहा है, इसको रखिए लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वन माइनस एक्स के स्थान क्या लिखेंगे वन प्लस एच, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वन माइनस माइनस एच, ये कैंसिल हो गया कितना बचा, बताओ बताओ कितना बचा, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख दे रहा फिर से, बराबर लिमिट एच अप्रोच टू जीरो माइनस एच, एच का मान लिख दो माइनस जीरो क्या है। अब देखो ध्यान से एल एच एल क्या है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए इस हम इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए फलन का एक्स बराबर एक पर अस्तित्व तो नहीं है, किसके फलन का अस्तित्व तो नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है, बात समझ आया ना। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सतत सांतत्य और अवकलनीयता में हम लोग सबसे पहले सीमा की अवधारणा पढ़े हैं ठीक, और उसके बाद फलन का अस्तित्व तो, ठीक। अब इसमें जो है ढेर सारा टॉपिक पढ़ना है, अभी हमें सांतत्य पढ़ना है मतलब कॉन्टिन्यूअस सततता पढ़ना है, फिर अवकलनीयता पढ़ना है, उसके बाद इन सब पर जो है ढेर सारा एग्जाम्पल भी करना है ठीक।